अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में जो मैं जॉब अलर्ट आपको दूंगा, ये डिपार्टमेंट जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है और ये गवर्नमेंट जॉब है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनकी तादाद 310 वैकेंट पोजिशन अवेलेबल है फॉर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो इस वीडियो में जो है मैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट कौन सी है, पूरा जो गाइडलाइन होगा मेरी कोशिश होगी कि आपको डिलीवर करूं। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ तफसीलात देख लेते हैं। सबसे पहले अगर जॉब टाइटल की बात की जाए तो जॉब टाइटल जो है मैं आपको बताता जाऊँगा। जूनियर स्टेनोग्राफर उनको दरकार है, सब इंजीनियर उनको दरकार है, ड्राफ्टमैन उनको दरकार है, क्वांटिटेटिव जो है क्वांटिटेटिव सर्वेयर उनको दरकार है, असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर जो जॉब टाइटल थे। अभी इनकी जो है मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा कौन सी दरकार है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए डेफिनेटली आपके पास जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 50 होनी चाहिए शॉर्ट हैंडेड में यानी लिखने की। इंटरमीडिएट और डीकॉम हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है कंप्यूटर नॉलेज होना लाजिम है, लिटरेसी आपके पास लाजिम होनी चाहिए, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आप जानते हो। जूनियर जो है जूनियर स्टेनोग्राफर इसकी 30 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल है, जूनल कोटा दी गई है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है ऑफिशियल की। ये जॉब न्यूज़ और जो है ये डॉन न्यूज़ है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जूनियर स्टेनोग्राफर की एज की बात की जाए तो 18 से 30 रखी गई है, सबकी जो एज है 18 से 30 रखी गई है। एक्सपेक्ट जो है 21 से 32 असिस्टेंट की और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो लास्ट में दो टाइटल है उनके लिए डिफरेंट रखी गई है। तो दूसरा जो टाइटल है ये सब इंजीनियर सिविल का है, इसके लिए डिप्लोमा होनी चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का, सिविल में डिप्लोमा हो किसी भी टेक्निकल बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 107 जो है 107 वैकेंट पोजिशन अवेलेबल है, एज सेम रखी गई है जो मैंने मैंशन कर दी है। जो कोटा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। थर्ड जो है ये ड्राफ्ट मैन है, इसके लिए लाजिम आपके पास 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट होनी चाहिए सिविल ड्राफ्टमैन में, और उसके बाद जो है 6 मंथ का ऑटो कैड का और 2D और 3D के ड्राइंग इन कंप्यूटर नॉलेज हो तो आपको मोर प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, और ये इसकी रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो इसकी तादाद जो है 22 है और इसकी भी कोटा इसके सामने ही मैंशन कर दी गई है। क्वान्टिटी सर्वेरियर BS 12 की, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी टेक्निकल बोर्ड से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 63 जो है इसकी वैकेंट पोजीशन अवेलेबल है, और जो कोटा दी गई है वो भी आप अपने स्क्रीन देख सकते हैं। असिस्टेंट इसकी एज थोड़ी डिफरेंट है और ऑपरेटर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की इनकी चेंज है। तो असिस्टेंट BS 16 की, इसके लिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्म करता जाऊँ कि इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस दरकार नहीं है, तो यू आर फ्री टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी कुछ ही देर में मैं आपको बताऊँगा। तो इसकी जो है असिस्टेंट की 14 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल है, एज की बात की जाए तो 21 से 32 इसकी रखी गई है। लास्ट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको जो है 74 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल है फॉर द डिफरेंट जोन्स के लिए, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए BIT और BCS कंप्यूटर साइंस में हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ जॉब टाइटल्स थे और उनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो अभी चलिए बढ़ते हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है, बाकी तो आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले मेंशन कर दिया है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फर्स्ट पॉइंट में हाउ टू अप्लाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फर्स्ट विजिट www.etea.edu.pk जो है इवेल्यूएशन टेस्टिंग एजेंसी, जो है एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन एजेंसी, ये आपकी टेस्ट कंडक्ट करेगी। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब जो होगा UBL का एक फॉर्म आपको सिस्टम जनरेटेड मिलेगा, उसको आपको पेड प्रिंट आउट करने के बाद किसी भी UBL के ब्रांच में आपको पेमेंट करनी है 500। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल फीस सबमिशन प्लीज़ कीप द ओरिजिनल स्लिप एंड डिपॉजिट स्लिप विद हैविंग स्टैम्प, जो आपको जो है फीस पेमेंट करने के बाद आपके पास वो रखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करनी, जस्ट आपको पेमेंट करनी है, जैसे कि क्लियरली लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू ETA, उनकी जो है एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करने। तो जस्ट आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद प्रिस्क्राइब फॉर्म डिपॉजिट स्लिप मिलेगी, डिपॉजिट स्लिप को पे करना है किसी भी ब्रांच में UBL की में, तो देन यू आर डन। इसके बाद अगर बाकी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं दरकार। तो फॉर्म कब तक अवेलेबल होगा, 7 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फ्रॉम 9th मार्च से लेके फॉर्म अवेलेबल होगा। तो इसकी लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है 31
जो है 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म की अवेलेबिलिटी जो होगी 9 मार्च से आप उनकी वेबसाइट पर जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुछ ही आज 3 हैं तो 6 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS बाय ETA। डेफिनेटली वो आपको जो है कॉन्टेक्ट करेंगे फॉर द फर्दर प्रोसेस टू प्रिंट रोल नंबर एंड स्लिप फ्रॉम देयर वेबसाइट। तो बाकी उस स्लिप पे हर चीज़ लिखी होगी, इसके मुतलक कोई भी अगर आपके पास क्वेरीज हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी तो मैंने कोशिश की है हर चीज़ मेंशन करने की। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।